पे स्थित है, उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है और कल में इंटेंसिफाई होते हुए कल सुबह में ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में तब्दील होने की इसकी संभावना जताई जा रही है और कल रात में और परसों मॉर्निंग में पूरी से लेकर सागर द्वीप के बीच में जो भीतर कर्णिका है और धमरा पोर्ट है उसके आसपास में इसके लैंडफॉल की संभावना जताई जा रही है एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिस समय इसकी हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहने की संभावना जताई जा रही है। और बात करते हैं कि झारखंड में इस सिस्टम का क्या प्रभाव रहेगा, तो आज 23 मई दोपहर और शाम से ही आप देख रहे होंगे कि इसका जो क्लाउड बैंड है ये झारखंड की तरफ आ रहा है, उसमें पूर्वी भाग से लेकर मध्य भाग में आपको बादल देखने को मिल रहे होंगे। कल 24 तारीख में झारखंड में आपको अनेकों हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, साथ साथ में जो कोल्हान का इलाका है जिसमें पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां है वहां भारी बारिश देखने को मिलेगी। रांची समेत जो मध्य भाग है वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और शेष भाग में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और बात करें तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की, तो 23 तारीख में आपको जो पूर्वी भाग है वहां थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलेगी और 24 तारीख में जो दक्षिणी से लेकर मध्य भाग है और उससे सटा हुआ जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। जो मेन इम्पैक्ट है सिस्टम का 24 रात से 25 तक में देखने को मिलेगा, 25 में जो कोल्हान का इलाका है वहां उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और गर्जन वज्रपात के साथ में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है। शेष मध्य भागों में आपको जो है भारी बारिश की संभावना है जिसमें रांची खूटी लोहरदगा गुमला और रामगढ़ इलाके हैं वहां पे कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और बात करें तो 26 तारीख में सिर्फ जो सिस्टम है कमजोर हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम और गुमला और आपका सिमडेगा इलाकों में कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है और शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 27 तारीख में काफी कम हो जाएगी इंटेंसिटी, थोड़े बादल देखने को मिलेंगे सेकेंड हाफ में, सुबह में कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और 28 से मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो सिस्टम का मेन इम्पैक्ट है 24 रात से लेकर 25 तक में और 26 में ये थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा, 26 फर्स्ट हाफ के बाद में ये सिस्टम और कमजोर होगा और उसके बाद से जो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और 28 से मौसम पूरी तरह से आपको साफ और स्वस्थ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में, तो कोल्हान में खासकर जो निचले इलाकों में है वहां पे कुछ पानी भरने की समस्या हो सकती है, मिट्टी के घर टीन के घर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है और जो इलेक्ट्रिक लाइन है टेलीकम्युनिकेशन लाइन है कुछ उनमें भी कुछ प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों से ये गुजारिश रहेगी कि आप पानी निकासी का उपाय कर सकते हैं और जो पके हुए आपके फल हैं सब्जी हैं उनका आप तोड़ के रख सकते हैं और अभी में कल में से कोई छिड़काव ना करें क्योंकि पानी से वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि 24 रात से 25 तक में झारखंड में इसका मुख्य इम्पैक्ट देखने को मिलेगा खासकर कोल्हान के इलाकों में। धन्यवाद।